जिस्म की लत मूवी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस के लिए साल 2017 बहुत अच्छा नहीं रहा। कह सकते हैं कि बीते कुछ वर्षों में कमाई के हिसाब से बॉलीवुड के लिए सबसे बुरा साल रहा। इस साल रिलीज हुई कुल 68 बॉलीवुड फिल्मों में से 36 बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। महज 10 फिल्में सुपरहिट की श्रेणी में पहुंची, जबकि साल के अंत तक ब्लॉकबस्टर का इंतजार रहा। हालांकि सलमान खान की टाइगर जिंदा है जिस तेजी से कमाई कर रही है, ये तो तय है कि ये ब्लॉकबस्टर ही साबित होगी। बॉक्स ऑफिस पर हमेशा से सलमान खान का जलवा रहा है, लेकिन 2017 में उन्हें भी चने चबाने पड़ गए। ईद पर रिलीज हुई उनकी फिल्म ट्यूबलाइट ने औसत कारोबार किया। 2017 में रिलीज हुई 68 फिल्मों में से 36 फिल्में न सिर्फ फ्लॉप हुई, बल्कि इनमें से 27 फिल्में ऐसी रही जो 10 करोड़ रुपए भी नहीं कमा सकी। संजय दत्त की भूमि, श्रद्धा कपूर की हसीना पारकर और अर्जुन रामपाल की डैडी ऐसी फिल्में थी जिनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन इनकी कमाई दहाई अंक का आंकड़ा भी नहीं जोड़ पाई। साल 2017 में 10 फिल्में सुपरहिट की श्रेणी में आई है। इनमें गोलमाल अगेन, टॉयलेट एक प्रेम कथा, बद्रीनाथ की दुल्हनिया और जॉली LLB 2 जैसी फिल्में शामिल हैं। जबकि एक नया ट्रेंड ये रहा कि कहानी और एक्टिंग के बल पर छोटे बजट की फिल्मों ने भी अपनी लागत के मुकाबले ज्यादा कमाई कर सुपरहिट की श्रेणी में हिंदी मीडियम, न्यूटन, सीक्रेट सुपरस्टार, शुभ मंगल सावधान, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का शामिल हुई। बॉलीवुड में एक आम धारणा रही है कि यहाँ कंटेंट के मुकाबले स्टारडम के बल पर फिल्में खूब चलती हैं, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। शाहरुख खान की जब हैरी मेट सेजल, सलमान खान की ट्यूबलाइट, अजय देवगन की बादशाहो, संजय दत्त की भूमि, आमिर खान की सीक्रेट सुपरस्टार और अमिताभ बच्चन की सरकार 3 जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। 2017 की शुरुआत बहुत अच्छी रही थी। जनवरी महीने में ही बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की रईस और ऋतिक रोशन की काबिल के बीच टक्कर हुई थी। साल 2017 में अजय देवगन की गोलमाल अगेन ने 200 करोड़ क्लब में एंट्री ली। ये दिवाली के मौके पर रिलीज हुई थी। इसके अलावा अब सलमान खान की टाइगर जिंदा है ने उम्मीदों का आसमान सजाया है। अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।